हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कॉलर की कटिंग करना बताऊँगी, राउंड कॉलर। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लाउज है वो ऑलमोस्ट स्टिच कर लिया है। यहाँ से 4 टक्स ब्लाउज मैंने यहाँ पर स्टिच किया है। वो नीचे की तरफ देखिए, मैंने इस तरीके से फ्रिल अटैच की है। और यहाँ पर देखिए, इसमें ऊपर की तरफ हम राउंड कॉलर अटैच करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे नेक की विड्थ है वो 3 इंच ली है, और जो फ्रंट नेक की लेंथ है वो मैंने यहाँ से 3.5 इंच ली है, और जो इसके बैक में नेक की लेंथ है वो मैंने यहाँ से 1.25 इंच ली है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस कॉलर का जो राउंड है इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो इसको देखिए, इस तरीके से दोनों कोनों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से पकड़ लेना है इसको। और अभी इन स्टेप से देखिए, इसको हम यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे। तो ये यहाँ से देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, इसको मेजर करेंगे एकदम सही से पकड़ते हुए। आप इसका मेजरमेंट एकदम अच्छे से लें। तो देखिए, यहाँ से ये 9 इंच आ रहा है। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कॉलर कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली हुई है। आप चाहो तो यहाँ पर बुकरम का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग ली हुई है। एक बार इसको हमें फोल्ड कर लेना है पेपर पेस्टिंग को, और यहाँ से इसको एक बार पिन लगा लेंगे ताकि ये हिले ना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस बुकरम की फोल्डेड साइड है, यहाँ से इस पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और देखिए, इस बुकरम की जो टोटल लेंथ है वो मैंने यहाँ से 9 इंच ली हुई है, क्योंकि हमारा जो राउंड है वो 9 इंच है हाफ इसका। और देखिए, इस कोने से यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे, 2.5 से 3 इंच तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस कोने से इस कोने तक हम इसको गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व लेंगे, और इसकी हेल्प से देखिए यहाँ पर मिलाते हुए इसमें हम गोलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम मेजर करेंगे इन स्टेप को रखते हुए। हमें 9 इंच यहाँ से चाहिए, तो 9 इंच को हम यहाँ पर रखेंगे। और जो हमने देखिए यहाँ पर राउंड शेप बनाया है, इसके ऊपर इन स्टेप को रखते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा लिया है। आप इसको यहाँ से अच्छे से मेजर कर लें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम जितनी भी आपको अपने कॉलर की चौड़ाई रखनी है उसके लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 1 इंच और 1 सूत जितनी इसकी यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमें डॉट डॉट इसमें निशान लगा लेने हैं। और यहाँ पर इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, आप इसकी चौड़ाई यहाँ पर देखिए 1 इंच भी रख सकते हो, या फिर आप 1.25 इंच भी रख सकते हो। इससे ज़्यादा तो ये अच्छी नहीं लगेगी, तो आप 1.25 इंच तक इसकी चौड़ाई रख सकते हो। और यहाँ से देखिए, हम ऊपर की तरफ इसको हल्की सी ऐसे गोलाई कर देंगे इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पर हमें शेप दे देनी है। देखिए, तो देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज़ के लिए कॉलर की कटिंग इजीली कर सकते हो। जितना भी आपका राउंड आ रहा है उतना आपको निशान लगा लेना है, बाकी आपको सेम ही निशान लगाने हैं। तो देखिए, अभी हम इन निशान्स को यहाँ से कट कर लेंगे। गाइस, आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए, और देखिए इसका शेप है वो ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये मेन फैब्रिक है हमारे ब्लाउज का, तो इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इसको हम आयरन की हेल्प से इसके ऊपर हम चिपका लेंगे।
तो इस तरीके से हमें ऊपर रखते हुए देखिए हमें इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो नीचे की साइड है यहाँ से देखिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ध्यान रहे जो इसके कॉलर के नीचे की साइड है, जहाँ से हम कॉलर अटैच करते हैं, उस साइड से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच लगाने के बाद देखिए यहाँ से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अस्तर वाला कपड़ा लेंगे और इसको देखिए इस कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हम इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमें स्टिच नहीं लगानी, जहाँ पर हमने राउंड शेप दिया था वहाँ पर स्टिच हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम पिन लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इस बुकरम के पास में सिलाई लगा लेनी है, इस बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस बुकरम को टच करते हुए हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे और यहाँ तक इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से इसमें खुला छोड़ देंगे, जहाँ पे इसका राउंड शेप है इसमें हम बाद में सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। और अभी यहाँ पर देखिए इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। और देखिए यहाँ से हम कॉलर को अटैच करेंगे, जितनी हम यहाँ पर देखिए जगह छोड़ेंगे, तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से इस कपड़े को भी कट कर देंगे। जितना कपड़ा आप सिलाई में दबाते हैं उतना ही कपड़ा हमें यहाँ पर छोड़ना है, बाकी हमें इसको कट कर देना है। और यहाँ से देखिए साइड से भी हमें इसको कट कर देना है। यहाँ पर भी हमें एक पैर जितना मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर देंगे यहाँ से। अभी देखिए इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर देखिए हम नाखून लगा लेंगे। देखिए कॉलर हमारी बनकर रेडी हो गई है। अभी इसको हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें इसके सेंटर में एक कट लगा लेना है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे हम और जहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। और जो हमने यहाँ पर ये कॉलर बनाई है इसको भी बीच में से पकड़ेंगे और इसमें भी एक छोटा सा कट बना लेंगे, ताकि इसको हम जब अटैच करें तो हमें ये पता रहे कि इसका सेंटर कहाँ पर है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसको अटैच करना है। तो अभी देखिए हम ब्लाउज़ को ऐसे उल्टा रखेंगे, उल्टी साइड से हम इसको लगाएंगे, जहाँ से इसकी रॉन्ग साइड है वहाँ से। तो देखिए जो अस्तर वाला फैब्रिक है ये अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक को देखिए यहाँ पर रखेंगे। और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है एक पैर के मार्जिन जितना इसको हम बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस कॉलर को यहाँ पर अटैच करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लाउज का कपड़ा और जो कॉलर का कपड़ा है इसमें से किसी भी कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना है। इस तरीके से देखिए
और इतनी सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें सेंटर से सेंटर मिला के देख लेना है। तो देखिए हमारा सेंटर एकदम से ओके मिल रहा है। तो इसी तरीके से देखिए हमें ये पूरी कॉलर में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस वाली तरफ भी हमारा एक पैर जितना मार्जिन जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए जो हमने उस वाली साइड भी छोड़ा था। इसके बाद देखिए अभी जो हमने यहाँ पर ये जगह छोड़ी थी जहाँ पर राउंड शेप बन रहा है, यहाँ पर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और इस बुकरम के पास में हमें सिलाई लगा लेनी है ऐसे। तो हमारा यहाँ से देखिए ये पैक हो जाएगा और इस वाली तरफ भी देखिए हम ये सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर भी इसमें हम छोटे से कट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर भी राउंड शेप बन रहा है इसमें, तो खिंचाव नहीं आएगा। अभी देखिए इस कॉलर को हम पलटेंगे और सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए इसका कोना है, ये अच्छे से निकाल लेना है। और यहाँ से देखिए जो इसके एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ ऐसे करेंगे इस तरीके से। और अभी हम यहाँ पर भी देखिए इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस कितना इजी तरीका है इस कॉलर को बनाने का, बहुत ही इजी ये कॉलर इस तरीके से बन जाती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से हमें पूरे ही कॉलर में एक स्टिचिंग लगा लेनी है यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा ली है पूरे ही कॉलर में, आप देख सकते हैं। और इसका लुक है वो इस तरीके से आएगा। और देखिए आपको यहाँ पर इसमें एक स्टिचिंग और लगानी है। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी किनारी है इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग और लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से इसमें शुरू करेंगे और पूरी कॉलर में हमें देखिए एक स्टिचिंग और लगा लेनी है फिनिशिंग के लिए। तो इसकी किनारी के ऊपर देखिए मैं इसमें स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो देख सकते हैं गाइज कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर है वो रेडी हुई है। गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।